So finally guys, हम आ चुके हैं बोरा केव। यहाँ की एंट्री है एडल्ट के लिए 80, चाइल्ड के लिए 60, डिजिटल स्टिल कैमरा के लिए 100, वीडियो कैमरा के लिए 100। सो गाइज, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ऐसा बोलेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ आईफोन है भाई। बहुत तगड़ी है भाई, दोस्ती पे ले लो या फिर ऐसा एक पहाड़, वो भी अंदर से बिल्कुल खोखला। डर लग रहा भाई थोड़ा। भाई ये देखो, तो भाई साहब हमने ले लिए टिकट जो हमें पड़ा टोटल 240 का, एंड अब चलते हैं बोरा केव में। भाई साहब हमने ले ली है एंट्री, वहाँ पे एक कका है, उन्होंने गेट बंद कर दिया, बोल रहे भाई यहाँ से बाहर नहीं जाना तुम लोगों को, जस्ट चल भाई, मजाक कर रहा हूँ। एंड गाइस यहाँ का लोकेशन देखो, सीढ़िया है और साइड साइड में जंगल है। भाई साहब यहाँ पे एक नल, यहाँ पे पानी पी सकते हो, एंड ये रहा बी वेयर ऑफ मंकीज, एंड ये रहा भाई एक छोटा सा तो नहीं बोलेंगे भाई साहब, वो देखो। एंड गाइस उधर रहा नदी, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है वरना हम जाते। अरे इस साइड रहा भाई कौन सा केप था यार, मैं बार बार नाम ही भूल जाता हूँ उसका, छोड़ो जो भी है, पहले तुम लोगों ने सुनी लिया होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाउंडेशन स्टोन फॉर बाय इल्यूमिनेशन ऑफ बोरा केव्स, आई गेस इल्यूमिनाटी। ये रहे अपने भाई नंदी भगवान। एंड गाइस ये रहा केव भाई साहब, चेकआउट मारो भाई। तो भाई साहब ये कुछ ऐसा है अंदर से, बाहर से तो मेरे को मालूम नहीं था भाई कि ऐसा होगा, बट भाई लाइटें वाइटें लगा रखी है, ये देखो भाई साहब एक नंबर भाई। ये केव देखे तो मेरे को उसका याद आ गया, मंजुमल बॉयज, सही पकड़े। एंड गाइस यहाँ से और नीचे है, हम इधर भी चलेंगे, एंड देखो इधर रहा। एंड गाइस ये देखो गाइस, आई थिंक ये बहुत नीचे है भाई, हम तो पूरा एक्सप्लोर करके जाएंगे। एंड गाइस हम अभी नीचे चलते हैं, मेरे को लगता नहीं गाइस कि आप लोगों को उतना समझ में आ रहा होगा, बट ठीक है जो है यही है। एंड ये कुछ ऐसा है, यहाँ से लाइटें वाइटें लगा रखी है भाई, बहुत तगड़ा दिख रहा है भाई, असली सीन तो इधर है। एंड गाइस यहाँ से ऊपर खुला जगह है, और मैं तो सोच रहा हूँ यार किसको कैसे बनाया होगा किसने, इन लोगों ने यार, पूरा पहाड़ ऐसे ही कैसे ही है एंड अंदर से पूरा खोखला है। एंड यहाँ पर अपने शंकर भगवान भाई, सच में अगर यहाँ की अगर लाइटें बंद कर दी जाए ना तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई रह पाएगा। एंड गाइस सच में अगर यहाँ पे आ रहे हो ना तो फुल सेफ्टी के साथ आना। ऊपर जा रहा है ये, जा रहा ऊपर भाई, हम आए एकदम पूरा एक्सप्लोर करके ही जाएंगे, नहीं होगा इधर का सीन तो भाई, क्वालिटी है तो थोड़ा सा मन मार लेना और देख लेना पूरी वीडियो, क्योंकि भाई अंदर का सीन बड़ा तगड़ा है। ये देखो भाई ऐसा लग रहा है कि शिवलिंग है, कैंट है भाई, और आगे चल के देखते क्या सीन है भाई। ये चेकआउट करो भाई साहब, अगर ये नेचुरल बनाया है तो तब तो सही है भाई, अगर इन लोगों ने बनाया है ना तो लाजवाब है भाई, जो भी बोलो। तो गाइस कुछ ऐसा सीन है, आका यहाँ पे आवाज़ बहुत इको हो रहा है, अंदर जाएंगे चल ना, आए हैं तो जाएंगे भाई, पैसा चुकाएंगे भाई। एंड ये देखो भाई पतला सा रास्ता, खोपड़ी बचा के बिल्कुल झुक के, ओ तेरी, इसको बोलते हैं भाई साहब रियल एडवेंचर। एंड गाइस ये देखो ये कितना स्लिपरी है, बिल्कुल नकली जैसा लग रहा है, बट भाई जो भी बोलो कैंट। हम इधर से आए अभी,
नहीं, मेरे को लगा हाँ यहाँ पे गड्ढा है, बट वहाँ बारिश का पानी जमा हुआ है गाइस। इसके अंदर कुछ नहीं है, बाकी सब ये रहा। इधर अंधेरा भाई, कुछ नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे चमगादड़ भी है बहुत सारे। बट गाइस जो है जैसा है सही है, एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा, मैं वो कैमरा घुमा लेता हूँ। अगर भाई मैं तो एक ये सलाह दूंगा कि भाई अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो भाई एक बड़ी सी टॉर्च लेके आओ जिससे आपको नज़ारे दिख जाए। गाइस ये देखो, उरे तेरी तो, मेरे को लगा कि भाई वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, देख रहा है पड़ गए भाई। भाई इसको बोलते हैं रियल एडवेंचर फुल फुल भाई, फुल मजे भाई यहाँ पे, एक्सपीरियंस सही है भाई साहब, नहीं रहोगा भाई। ये देखो तो भाई साहब हम आए थे उधर से, एंड ये किया रहा लाइमस्टोन, उधर भी है भाई, उधर भी चलते हैं भाई। जैसा मुझे दिख रहा है ना, अगर आपको ऐसा फील हो रहा होगा ना तो ठीक है भाई, वरना मेरे को तो पता भाई कि जितना मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ ना, उतना आपको इस कैमरे में या वीडियो देख के नहीं मज़ा आ रहा होगा, बट फिर भी मैं लेता हूँ अच्छे से, पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा। पहाड़ के अंदर पूरा का पूरा पहाड़, बोलते हैं ना अंदर से खोखला, एंड ये पता नहीं पत्थर यार, जगह कैंट है भाई साहब। आई थिंक डेड एंड आ गया है, आगे दी एंड, दी एंड हो गवा भाई। अगर ऐसा मेरे घर के पास होता ना, तो भाई मैं जाग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं रहता दिन भर। जगह कैंट है भाई साहब, आई होप सो। अगर आपने मंजुमल बॉयज देखी है ना, तो भाई आप इस जगह को बिल्कुल उस तरीके से फील कर सकते हो जैसा मुझे फील आ रहा है अभी, क्योंकि बस वो पिक्चर भाई बहुत तगड़ी है भाई। दोस्ती पे ले लो, या फिर ऐसा एक पहाड़, वो भी अंदर से बिल्कुल खोखला भाई साहब, बहुत तगड़ी जगह है, देखे जाएगा। तो भाई साहब पूरा केव हमने घूम लिया, इसने भी घूम लिया, थोड़ा सा ऊपर बचा हुआ है, एंड फिर यही तंग सी गलिया से होके जाना है, जाने की जुलम ढा रही है, मगर क्या करें, झुको और निकल जाओ भाई। वीडियो बनाने के चक्कर में गिर मत जाना, अभी इधर भी रास्ता है भाई, ऊपर भी जगह है, फिलहाल ऊपर चलते, नीचे का तो पूरा कवर अप हो गया, एंड अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर से नज़ारा देखते हैं भाई कि कैसा दिख रहा है। ये हालत ख़राब हो गई इतने में भाई साहब, हालत ख़राब हो गई, एंड भाई यहाँ पे चढ़ने में डर लग रहा है भाई थोड़ा थोड़ा, अगर गिर गया तो भाई सब लेने पड़ जाएंगे, तो भाई अपना अपना देख के भाई आना। अगर देखो भाई मैं पहले सीढ़ी देख लेता हूँ, अगे फ्लैश आंखों में आ रही है ना, तो भाई सीढ़ी नहीं दिख रही है, तो पहले भी ऊपर चलते हैं एंड उसके बाद देखते हैं। भाई साहब ये जगह थकाने वाली है, हो भाई साहब कैसा है ना कि इतने ऊपर तो आ गए, एंड कुछ ऐसा है भाई यहाँ का नज़ारा, अमेजिंग मैन भाई। ऐसा है कि मुझे ना बेंटन की याद आ गई, जब उसको ऑमनीटेक्स मिलता है ऐसी जगह पे, नहीं एक्चुअली उसके पास खुद आता है,
एंड एक ये भी रहा भाई, ऊपर से पानी गिर रहा है और अंदर से पूरा खोखला है। एंड ये देखो ये ऊपर चढ़ा हुआ है, वो दी एंड है ना ऊपर है, रुक आ। तो गाइस यहाँ ऊपर मैं जो दी एंड है ना, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर ही कह लो, वहाँ पे गणेश जी दिख रहे हैं और बाकी स्तंभ जैसा कुछ पे गणेश जी का ही होगा मंदिर भाई। सच में यार मतलब जगह सही ढूंढी है गणेश जी ने भाई, भक्तों की हालत ख़राब हो जाएगी अगर सच्चा भक्त नहीं होगा ना तो इतनी ऊपर आएगा ही नहीं। ऐसा है यहाँ का नज़ारा, एक सेकंड रुक जा। एंड ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, लाइट थोड़ी ब्लिंक हो रही है इसकी वजह से खराब दिख रहा है, इसको लैंड स्लाइड बोला था ना, लाइमस्टोन। तो गाइज अब चलते नीचे भाई, मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई, मैं पूरा भींग चुका हूँ पसीना पसीना। एंड गाइज अभी घर भी जाना है और वो भी 1000 किलोमीटर, हम जो जो उसमें 1000 किलोमीटर आगे आ गए, एक्चुअली में 1300 किलोमीटर होगा अभी घर जाने में, भाई हालत ख़राब हो जाएगी। और आज हमें रात को ही निकलना है ना। तो भाई बी रेडी, एक और नया वीडियो आएगा वाइजैग टू रांची, अपडेटेड रहना बॉस। भाई मैं बस मजाक में कह रहा था कि भाई ये पूरा का पूरा जगह खोखला है और अगर गलती से भाई ये ढह गया तो हो गया भाई हमारा ब्लॉगिंग, बन गया हमारा यूट्यूब चैनल और बन गया यूट्यूबर। तो भाई अभी बंद करता हूँ क्योंकि नीचे उतर जाता हूँ, आई मीन टू से कि पहले नीचे उतर जाता हूँ भाई, पूरा का पूरा सीढ़ी भींगा हुआ है, अगर मैं स्लिप खा गया ना तो लेने के देने हो जाएंगे। कैसा ना ब्रो कि एक बार की बात है, हम एक जंगल में बैठे हुए थे, ऐसे रात का समय था और हमारे इधर ना कुछ कांड हुआ था उस दिन, 2-3 दिन पहले, तो हम वहीं बैठे हुए थे जहाँ पे कांड हुआ था। तो मैंने इन लोगों को बोला कि भाई यहाँ से चलते हैं किसी और जगह जाके बैठते हैं वरना पुलिस वाले आ जाएंगे, और इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और 2-3 और दोस्त थे सूरज, सानू और रमेश और रोहित, इन लोगों का अरे चल कुछ भी बोल रहा फालतू में। और भाई ठीक पाँच मिनट बाद पुलिस वाली जीप लेके आ गई और बोलते भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई। तो मेरा प्रेडिक्शन था ना कि भाई हम दोनों यहाँ घूम रहे हैं एंड ये पत्थर मतलब ये गुफा भाई ना पूरा का पूरा खोखला है अंदर से, ऊपर से तो चलो ठीक है और अंदर से पूरा का पूरा खोखला है जैसे तुम लोगों ने देखा होगा भाई। तो मैंने बोला भाई क्या ढह गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो ये फिर मजाक में हंस रहा है भाई, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बी अवेयर, सावधान रहें सतर्क रहें। मेरी बोली बात हमेशा सच होती है, मे बी कुछ दिनों बाद न्यूज़ में आ जाइए, कुछ भी हो सकता है भाई। बस मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी लगता है भाई मैं फ्यूचर देखता हूँ और सच भी होता है भाई। हमें दौड़ के आना पड़ा, हमें लगा कि वहाँ नीचे कोई खड़ा है और एक्चुअल में यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, पूरा का पूरा केव खाली हो गया सिवाय मेरे और मेरे दोस्त के, यहाँ पे कोई नहीं है। एंड सीरियसली सच में मेरे को लगा ना उस लाइट के पास कोई लेडी खड़ी है, जाके देखा तो भाई कोई नहीं था, तो मे बी ये हॉन्टेड प्लेस ही हो सकता है। सो बी अवेयर ब्रो, अपने हिसाब से आना। और भाई हम भागते भागते हैं और हालत खराब हो गई, तो भाई लोग चलो टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कैसा ना भाई लोग कि मार आ चुके सबकी हालत ख़राब हो गई है, अरे बाइक घर चलते हैं भाई।